अस्सलामुअलैकुम गाइस, कुक विद लव में आज आपका वेलकम है। हम बनाने जा रहे हैं आज चिकन चीज़ चिकन पॉकेट्स, जो बहुत ही इजी है और फास्ट बन जाते हैं। और ये एक स्टार्टर है, आप पार्टी में भी रख सकते हैं, नॉर्मली भी इसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून बटर, पहले फिलिंग के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना मैदा। और इसे हम करें अच्छे से विस्क करिएगा, बिल्कुल लम्स ना रहे वो ध्यान रखिएगा। और इसे थोड़ा सा भून लीजिएगा मैदे को। ये 1 कप जितना मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालिए और स्लो पे ही बनाइएगा इसे। और थोड़ा सा मिल्क हम डालेंगे अब, और इसे एटलीस्ट 2-3 मिनट्स तक एकदम अच्छे से विस्क करते रहेंगे। तो देखें, हम लोग डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, और इसमें डालेंगे वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसमें एटलीस्ट हम 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, जो 250 ग्राम्स मैंने बॉयल की है लहसुन अदरक और नमक के साथ। हम लोग इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे मटर, जो 1-2 टेबल स्पून जितने हैं बॉइल्ड है ये मटर हमारे। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे शिमला मिर्च, जो बहुत ही बारीक और अच्छी सी कटी हुई है, ये 1 स्मॉल शिमला मिर्च है। अगर आप इसमें चाहें तो गाजर या पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं बारीक बारीक कट करके। अब इसमें हम लोग डालेंगे ग्रीन ऑनियंस के ग्रीन, देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है ये। और इसे एटलीस्ट 1 मिनट तक हम सॉटे करेंगे, जब तक कि एकदम अच्छे से कोट ना हो जाए सब कुछ। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा ना खाते हो तो रेड चिली फ्लेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप तीखा खाते हो तो और ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। फिलिंग हो गई है रेडी, अब हम इसे करेंगे फिल पॉकेट्स में। तो अब हम इस पॉकेट्स को फिल करेंगे इसके अंदर। ये है हमारे पास समोसा पट्टी, जो रेडी अवेलेबल मिल जाती है अब आपको कोई भी स्टोर में। चलिए तो अब मैं बताती हूँ कैसे करना है। ऐसे 2 ऐसे रखेंगे, पहले ऐसे स्क्वायर शेप आ जाना चाहिए, ऐसा क्रॉस शेप हो जाना चाहिए इसका। अब बीच में हम लोग डालेंगे इसमें जो हमने व्हाइट सॉस की फिलिंग बनाई हुई है, चिकन और मटर और सब डाल के 1 टेबल स्पून जितनी फिलिंग अच्छे से डाल दें इसके अंदर। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल दें, अगर आप खाते हो चीज़ तो डालें, ना खाते हो तो एक रुक के नो प्रॉब्लम मत डालिएगा। अब पहले इसे फोल्ड करें, अब नीचे से एक फोल्ड ले लें। ये है मैदे और पानी से मैंने बनाया हुआ घोल है, जिससे ये चिपक जाएगा हमारा शीट। अब थर्ड फोल्ड ले, ये थोड़ा अच्छे से लगाते रहें वरना ये आपका जो चिपकेगा नहीं। अब लास्ट फोल्ड अच्छे से आप लोग ले लें और अच्छा सा थोड़ा मैदे का घोल लगा लीजिए, तो वो एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए कितना अच्छे से बन चुका है ये हमारा स्क्वायर पॉकेट चिकन। अब इसे हम रखेंगे साइड पे और दूसरा बनाएंगे। एक और बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले लेंगे एक, तो हमारे ये सारे चिकन पॉकेट्स रेडी हैं। तो अब इसे हम करेंगे फ्राई। अभी हम लोग इसे करेंगे फ्राई, हमारे चिकन पॉकेट्स को डीप फ्राई करना है। हॉट ऑयल के अंदर हम डालेंगे इसको, और अब हम इसे करेंगे टर्न। जैसे ही थोड़ा थोड़ा ब्राउन होगा उसे हम करेंगे टर्न। देखिए कितना ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउनिश हो गया एक साइड से, इसी साइड से भी गोल्डन ब्राउन करेंगे इसे। अगर उसमें आपने अगर उसकी साइड बरोबर से सील नहीं की होगी तो अंदर तक तेल चला जाएगा और वो फट जाएगा,
इसीलिए प्लीज़ इसके साइड बहुत ही अच्छे से सील करिएगा। बाकी के सब हमारे चिकन पॉकेट्स ट्राई कर लेते हैं। तो अब हमारे चीज चिकन पॉकेट्स है रेडी। इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप इसे सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ या आपको जो भी सॉस पसंद हो उसके साथ। तो चलिए अब इसे मैं ट्राई करती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा आवाज़ आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा होगा। देखिए कितना चीज़ी लग रहा है। मैं आप इसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको। देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितना ही क्रंची बना हुआ है। वाओ, माइंड ब्लोइंग, इट इज़ रियली वेरी टेस्टी। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।